जनपद में जिला अस्पताल सहित 71 केंद्रों पर 8582 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 1693 और सेकेंड डोज लेने वालों में 6888 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल सहित महिला चिकित्सालय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सहित कुल 71 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा की वजह से कुछ महिलाएं टीका लगवाने नहीं आ पाई, लेकिन उम्मीद है कि शुक्रवार से टीकाकरण में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि जनपद में अभी तक 33 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 23,63,000 पहला डोज तथा 9,33,000 सेकेंड डोज दिया जा चुका है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिस किसी व्यक्ति ने अभी तक पहला डोज भी नहीं लिया है, वह वैक्सीनेशन जरूर कराए, तथा जिन लोगों का सेकेंड डोज नहीं लगा है, वह अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर सेकेंड डोज लें, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 71 जगहों पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी कुछ सेंटर और बढ़ेंगे, क्योंकि आज भी कुछ अवकाश का इस तरह से माहौल है, क्योंकि हमारे विभाग में महिलाएं ही ज़्यादा काम करती हैं, तो आशाएं हम सब कल का व्रत रखे हुए थे, तो कुछ सेंटर अभी कम है। शाम होते हो तो ज़्यादा सेंटर खुल जाएंगे। अभी तक हमने आज ज़िले में 33 लाख डोजेस लगा चुके हैं, उसमें से 23,63,000 फर्स्ट डोज और 9,33,000 सेकेंड डोज लगा हुआ है। अभी भी हमारे जनपद में फर्स्ट डोज लगने के लिए बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं। सबसे हमारी अपील है कि जिन लोगों को एक भी डोज नहीं लगा है, या जिन लोगों का सेकेंड डोज ड्यू पूरा हो चुका है, वो सभी लोग, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं जहां निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है, आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएँ, जिससे कोरोना से पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित हो जाएँ और कोरोना को सीमित कर दिया जा सके और दूर भगाया जा सके।